नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज के पावन अवसर पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन अवसर की आप लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं ये आपका पावन अवसर जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बड़े हर्षोल्लास से हर जगह मना रहे और खुशियां लेकर आए। अभी की बड़ी खबर हम बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जल्द ही एक सेफ्टी मैसेज जो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। पूरी खबर क्या है ध्यान तक सुनिए और इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। बताना चाहेंगे एक अधिकारी के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोगों को आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति में के बारे में चेतावनी देने के लिए जल्द ही चेतावनी ध्वनि यानी कि वार्निंग साउंड ध्वनि जो है और ऑटो रीड आउट अलर्ट के साथ नए सुरक्षा संदेश मिलेंगे। और बताना चाहेंगे इन संदेशों की क्या खूबी होगी और किस लिए संदेश आएंगे जिनकी जो वार्निंग साउंड के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, ये पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए। और ये जानकारी आपको बताएगी आपातकालीन स्थिति यानी कि जहां पर इमरजेंसी होगी या यूं कहे कोई भूकंप के झटके आने वाले होंगे या कहीं आतंकी हमला होने वाला हो, इस तरह की जानकारी जो आप तक पहुंचेगी अलर्ट के माध्यम से, ताकि जो भी आपके आगे पीछे इस तरह की घटना होने वाली है आप सतर्क हो जाएं। और ध्यान से ये खबर को सुनिए और साथ साथ शेयर भी करते जाइए। बताना चाहेंगे ये सुविधा हाल ही में दूर संचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा सफलता पूर्वक संचालित सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS का परिणाम है। बताना चाहेंगे प्रशिक्षण आयोजित किए गए इन प्रशिक्षणों के परिणाम स्वरूप एक अद्वितीय चेतावनी प्रणाली तैयार हुई है जो खुद को नियमित SMS टोन से अलग करता है, यानी कि ऐसी टोन होगी जो कि नॉर्मल आपको व्हाट्सएप या किस तरह का मैसेज अगर आता है, अलर्ट आता है, वो टोन है, वो सब जानते हैं, अलग अलग अपने माध्यम से भी टोन रखते हैं, पर ये टोन इतनी अलग होगी जिसकी आवाज इतनी हैवी होगी कि आप मजबूर हो जाएंगे टोन को खोलकर मैसेज को देखने के लिए। और बताना चाहेंगे इसमें एक अलग टोन है, सामान्य SMS टोन नहीं है, ऑडियो उच्च है यानी लाउड, बड़ा ही भारी जो ऑडियो इसमें है। अतिरिक्त महानिदेश ADG दूर संचार जम्मू और कश्मीर विजय कुमार सुरेंद्र ने एक यानी के चैनल को, एक नामी चैनल को बताते हुए सारी बातों का खुलासा किया। सुरेंद्र ने कहा हाई पिच ऑडियो अलर्ट लोगों का ध्यान तेजी से खींचने के लिए डिजाइन किए गए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे व्हाट्सएप या हमारे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कोई अगर मैसेज आता तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर ये अलग तरह की ध्वनि होगी, अलग तरह का इसमें साउंड होगा जो आपका ध्यान जो केंद्रित करेगा, आपका ध्यान इस तरह से इस ध्वनि को, इस वार्निंग को डिजाइन किया गया है कि जो अगर जब आपके मोबाइल पर ये ध्वनि या साउंड मैसेज आएगा तो आपको ये यानी कहीं ना कहीं केंद्रित करेगा, आकर्षित करेगा, आप मजबूर हो जाएंगे इस मैसेज को खोलकर देखने के लिए, जिसे भूकंप, अचानक बाढ़, आतंकवादी हमले, महामारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों जैसी घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सके। यानी कि ये आपको उन चीज़ों के लिए बताया, हमने अगर कहीं आसपास आपके आसपास भूकंप आने वाला है और आपको नहीं पता, कई बार एपिसेंटर का भी पता नहीं होता कि किस ओर से भूकंप के झटके जो करीबी एपिसेंटर होगा, ये भी होता है, और कई बार आतंकवादी हमले होते हैं ये भी हमें पूरी तरह से नहीं पता होता, या बाढ़ का कहीं ना कहीं आकलन होने वाला हो या बाढ़ आने वाली हो या साथ ही साथ महामारी यानी कि आपदा आने वाली हो, त्रासदी आने वाली, इन सब के लिए ये एक स्पेशल डिज़ाइन की हुई वार्निंग साउंड है जो आपको मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ इन सारी घटनाओं को होने से पहले ही आपको संकेत मिल जाएंगे। ADG ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुविधाओं का उद्देश्य जीवन और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत चेतावनी भेजना है ताकि आप अपने आप को संभाल पाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाया गया ताकि सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को तक आपदा प्रबंधन का संदेश तुरंत पहुंचाया जा सके ताकि चेतावनी का समय कम से कम हो। जम्मू और कश्मीर में लाइसेंस सेवा क्षेत्र यानी LSA इस बड़े पैमाने पर सेल प्रसारण पहले के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में कार्य करता है ताकि विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों और सेल प्रसारण प्रणालियों में आपातकालीन चेतावनी प्रसारण की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
एडीजी ने कहा कि एलएसए ये प्रशिक्षण कर रहा है। मैसेजिंग की खासियत यह है कि एक क्षेत्र की पहचान करेगा, संदेश उस क्षेत्र के सभी मोबाइल यानी कि उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाएगा, अलर्ट उन्हें संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देगा, यानी जिस तरफ जिस क्षेत्र में या जिस एरिया में भी इस तरह की कोई त्रासदी हो, आपदा हो या आतंकवादी हमला होने वाला हो या बाढ़ आने वाली हो, इस तरह की अगर चीज़ें होने वाली हैं या भूकंप आने वाला हो, तो पहले से उस एरिया के लोगों तक ये एक जो वार्निंग साउंड है, अलर्ट जो है, वो आप तक पहले ही पहुंचा दिया जाएगा। सीबीएसए एक यानी कि आधुनिक तकनीकी है जो एक निर्देश यानी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील आपदा प्रबंधन जानकारियों का प्रयास प्रसार करने में सक्षम बनाती है, भले ही प्राप्तकर्ता निवासी हो या आगंतुक। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन अधिकारियों ने कहा कि दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण आपातकालीन यानी इमरजेंसी जानकारी यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे ये सरकारी एजेंसी और आपातकालीन सेवाओं के लिए अमूल्य हो जाए। उन्होंने कहा कि सेल ब्रॉडकास्ट का व्यापक रूप से आपातकालीन अलर्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गंभीर मौसम की चेतावनी, सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, निकासी नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के वरिष्ठ अधिकारी अरुण अग्रवाल ने बाढ़ के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दूर करने के लिए भारत को नवीन समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि सेल प्रसारण के जीवन बचाने और आपदा के प्रभाव को कम करने की क्षमता है। अधिकारियों ने कहा कि मैसेजिंग सिस्टम भारत में कहीं भी चालू नहीं है और प्रशिक्षण चरण में है, यानी की अभी ट्रायल चल रहे हैं पूरी तरह से, अभी इसको यानी जब ट्रायल पूरा होगा उसके बाद इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल द्वारा जम्मू कश्मीर संकल में पहली बार सेवा का प्रशिक्षण किया गया है। क्षेत्र में मुख्य सेवा प्रधान बीएसएनएल के अनुसार ये सेवा के लिए मोबाइल उपयोगकर्ताओं से कई पैसा नहीं लेगा, यानी लोगों को ये होगा कि शायद इसका कोई हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, फिलहाल ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं करना है, जो पूरी तरह से आपदा प्रबंधन सेटअप और यानी प्रदाताओं द्वारा संचालित है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी एके त्रिपाठी ने कहा कि पूरे देश में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इस सेवा को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए जाने की संभावना है, यानी अभी इसका ट्रायल चल रहा है, पर जब पूरा ट्रायल इसका हो जाएगा, प्रशिक्षण इसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से इस पूरे सिस्टम को लॉन्च किया जाए, इनॉग्रेट किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि कई बार आप ने देखा कि आसपास हमारे यानी कि किसी भी एरिया में, जैसा पिछले दिनों की अगर बात करें, लगातार डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, कई सारे इलाकों में इस तरह के लगातार भूकंप के बड़े ही जोरदार झटके महसूस गए, कई घरों की कई लोगों के घरों से यानी उनके सरों से छत ही उड़ गई, कई लोग बेघर हो गए और किस तरह से उन्हें उन स्थिति से निकलने के लिए कई महीनों लगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम होगा, आजकल के दौर में मोबाइल हर एक के पास है, चाहे वो व्हाट्सएप की बात करें, चाहे टेक्स्ट मैसेज की बात से, कोई भी बात हो, कोई भी अगर कहीं आपने प्रोडक्ट खरीदना, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई भी जानकारी लेनी, आप हम नेट के माध्यम से निकाल सकते हैं, और अगर कोई मैसेज भी आपको आता है तो वो आपके टेक्स या व्हाट्सएप मैसेज भी आता है। इसी की तरह एक मैसेज होगा जिसका वार्निंग साउंड उसकी बड़ा ही हाई पिच होगा, जो कि आपको केंद्रित करेगा कि वो मैसेज देखने के लिए कि आखिर ये साउंड बज क्या रही है, क्या साउंड है, बिल्कुल टोटल डिफरेंट होगा बाकी जो टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज की साउंड होगा उससे, बिल्कुल ये डिफरेंट होगा, हाई पिच होगा, और जिसके चलते जब बजना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आसपास जहां आप रह रहे हैं वहां आप सुरक्षित हैं, किस तरह की आपदा आने वाली, क्या परेशानी है, वो सारी उस मैसेज की वजह से यानी उस मैसेज के माध्यम से आप तक वो चीजें आ जाएगी, जिससे आप कहीं ना कहीं समय रहते अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और कहीं जानी और साथ ही साथ माली नुकसान से काफी यानी बचाया जा सकता है। तो फिलहाल ये कहेंगे एक बड़ा ही सराहनीय कदम है, अब देखना है कि कब इसे प्रशिक्षण इसका खत्म होगा और कब ये इंप्लीमेंट होगा, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि आपको कभी भी इस तरह का मैसेज आता है, जब ये पूरा प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, जितनी भी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता के लिए, कि अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है उसे इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि कई बार होता, हम भी कई बार इग्नोर करते हैं कि मैसेज होगा, कंपनीज की तरफ से आता होगा, पर अगर जहां पर आपको लगे कि जब ये प्रशिक्षण पूरा होगा अगर उस तरह का आपको वार्निंग साउंड आता है तो वो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, उस मैसेज की ध्वनि जो आवाज होगी बिल्कुल डिफरेंट
सेट होगी, उसका जो साउंड होगा बिल्कुल अलग होगा, बड़ा ही हाई पिच होगा, नॉर्मल जिस तरह से टेक्स्ट मैसेज आते वैसा नहीं होगा, पर उसे इग्नोर मत कीजिए। एक बार उस मैसेज को जरूर, यानी केंद्रित जरूर हो जाइए और उस मैसेज को जरूर खोल कर देखिए आखिर ये मैसेज किस लिए आ रहा है। ये अभी तक की बड़ी खबर थी। अपना कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियां औरों तक भी पहुंच जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। फिर से जाते जाते कहेंगे आज के इस पावन अवसर पर यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।